पर अब आपको बता दें कि दिल्ली सरकार और केंद्र सरकार एक बार फिर से वैक्सीन को लेकर एक दूसरे के आमने सामने हैं। जी हां, दोनों में फिर से टकराव देखने को मिल रहा है और ये टकराव है फ्री वैक्सीन को लेकर। आपको बता दें कि इस बार मामला 21 जून को शुरू हुए फ्री वैक्सीनेशन ड्राइव से जुड़ा हुआ है। दो दिन पहले दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने कहा था कि दिल्ली को जितनी वैक्सीन चाहिए वो अभी जो महीने बचे हैं उसके लिए केंद्र के द्वारा वो वैक्सीन मुहैया नहीं कराई गई है। हालांकि वहीं आपको बता दें कि स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा डॉक्टर हर्षवर्धन ने साफ तौर पर कहा है कि दिल्ली सरकार इन मामलों में सिर्फ झूठ बोल रही है। और इस पूरी खबर पर और अपडेट देने के लिए हमारे सहयोगी आयुष्मान इस वक्त हमारे साथ जुड़े हैं। आयुष्मान, एक बार फिर से अगर देखें वैक्सीनेशन को लेकर दोनों सरकारें, केंद्र हो और दिल्ली हो, एक दूसरे के आमने सामने हैं और एक दूसरे पर पलटवार कर रहे हैं। कहीं ना कहीं दिल्ली के ऊपर सवालिया निशान खड़े किए जा रहे थे, जिसको लेकर जवाब दिया गया और फिर ये बताया गया कि कहीं ना कहीं जो सप्लाई है उसको, उसका कंस्ट्रेंट है, तभी ऐसा हुआ है, जिसको लेकर स्वास्थ्य मंत्री ने जवाब दिया। और ये जवाब और प्रतिक्रिया के बीच में फिर से एक बार दिल्ली सरकार और केंद्र सरकार आमने सामने हैं। आपको बता दें कि पिछली बार भी हमने ऐसा देखा था जब केंद्र को लगातार राज्य, ये दिल्ली सरकार ये कह रही थी कि उनके पास वैक्सीन नहीं है और उन्हें वैक्सीन की जरूरत है। वहीं केंद्र कह रहा था कि पर्याप्त मात्रा में वैक्सीन देने के बाद भी उनका टीकाकरण अभियान जो है वो हेल्थ केयर वर्कर्स में बहुत अच्छा नहीं है। दिल्ली सरकार पर लगातार ये निशाना साधा गया है केंद्र की ओर से। तो ये हमने पिछले समय में भी देखा था और ये अब भी हो रहा है। मौजूदा स्थिति में जरूरत ये है कि वैक्सीनेशन के नंबर को इंप्रूव किया जाए हेल्थ केयर फ्रंटलाइन वर्कर में। और सरकार जो एक दूसरे के सामने है इन सभी मुद्दों को लेकर, इससे बेहतर ये होता कि दोनों सरकारें मिलकर वैक्सीनेशन के नंबर को बेहतर करने की कोशिश में लगती, लेकिन यहाँ टीका टिप्पणी अभी भी जारी है। जी, टीका टिप्पणी दोनों की तरफ से अभी भी जारी है। आयुष्मान, आपका बहुत बहुत शुक्रिया।